नमस्कार, आप देख रहे हैं केमास न्यूज़, हर समय आपके साथ। आजमगढ़ जिले के भाजपा के जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने आए दिन कहीं न कहीं जाकर डॉक्टर्स को सम्मान एवं प्रशासन को सम्मान देते नजर आ रहे हैं। जिला अध्यक्ष आज तरवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर्स एवं स्टाफ को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किए। इसके बाद तरवा के इलाहाबाद बैंक एवं काशी संयुक्त ग्रामीण बैंक पर जाकर मैनेजर और स्टाफ को मौजूद है इस समय हम अंग वस्त्र देकर सम्मानित किए। एक रिपोर्ट बाजार में जहां की आज इलाहाबाद बैंक के पास पीछे दूरी बनाई आप लोग पीछे दूरी जहां पर भारतीय जनता पार्टी के आजमगढ़ जिला अध्यक्ष जिला मंत्री यहां पे आए हुए हैं और यहां के बैंक स्टाफों को आज सम्मानित का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये सराहनीय कार्य आज जो ये देखने को मिल रहा है आजमगढ़ जिले में आए दिन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह जी प्रतिदिन कहीं न कहीं समाज सेवा के लिए फील्ड में मैदान में जाते हैं और गरीबों असहाय मजदूरों को खाद्य सामग्री व राहत सामग्री प्रतिदिन वितरित करते हैं। आइए हम बात करते हैं जिला अध्यक्ष जी से कि वो कैसे ये कर लेते हैं। हाँ अध्यक्ष जी, एक चीज़ बताएं कि देखने को ये मिल रहा है प्रतिदिन कि आप प्रतिदिन कहीं न कहीं फील्ड में जाके जो है कि मजदूरों को व डॉक्टर्स टीम को व मैनेजरों को और बैंक स्टाफों को आप प्रतिदिन प्रोत्साहन देते हैं, तो ये सर कैसा आपको लगता है प्रोत्साहन देते हुए? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर, हम सभी लोग जितने सामाजिक संगठन हैं उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के लोग जो कोरोना वायरस से हमारे लड़ रहे हैं योद्धा, बैंक कर्मी, पुलिस कर्मी, सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, पोस्ट ऑफिस, ऐसे जितने लोग हैं जो दिन रात लगातार अपना घर परिवार छोड़ करके मेहनत कर रहे हैं, उनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं और हमारे मोदी जी के आह्वान पर उनको धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे हैं मोदी जी की तरफ से। उसी के क्रम में आज हम लोग इस कदमा क्षेत्र में सभी बैंकों पर, सभी पुलिस कर्मियों को, सभी स्वास्थ्य कर्मियों को, सभी विकासखंड कर्मियों को सम्मानित किए हैं अंगवस्त्र देकर, धन्यवाद पत्र देकर। और उसी के साथ साथ हमारे मोदी जी का सपना है कोई भी गरीब भूखो ना मरे, उसके अंतर्गत हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव में पूरा अपना वितरण करते हैं। अब तक भारतीय जनता पार्टी 60,000 गरीब परिवारों तक राहत सामग्री पहुँचा चुकी है, अभी भी वह कार्य कर रही है और लगातार आगे निरंतर चलता रहेगा। पूरे जनपद में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो हमारे कोरोना वायरस के योद्धा हैं, जो उससे लड़ रहे हैं, उन सभी लोगों को आए दिन सम्मानित किया जा रहा है। लगातार यह कार्यक्रम चल रहा है, आगे भी चलेगा जब तक यह लॉकडाउन है और कोई भी गरीब भूखा न सोए, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। सरकार फ्री राशन दे रही है, हम अपने माननीय मोदी जी को और माननीय योगी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जिनका सपना है कोई भी गरीब किसी को किसी प्रकार कोई परेशानी ना आवे, उसके लिए फ्री राशन बैंकों में, मनरेगा वालों के लिए पैसा, उज्ज्वला योजना वालों के लिए पैसा और हर गरीब तक सुविधा पहुंचे, उसका पूरा पूरा ध्यान रखे हैं। सबको सुविधा पहुंच भी रही है अपने उत्तर प्रदेश में, अपने आजमगढ़ में कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अपने जिलाधिकारी महोदय लगातार लगे हुए हैं कि आम जनता तक सेवाएँ पहुँचे, सारे हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं अपने अपने, सब लोग तन्मयता से कर्तव्यप्रायणता का अपने कर्तव्यप्रायणता सभी लोग लगे हुए हैं, कहीं यहाँ कोई कमी नहीं है और न कोई कमी आएगी। और आप लोग मीडिया के भी लोगों के प्रति हम लोग धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि आप लोग भी लगातार मेहनत करके और जो भी योजनाएं हैं उसको नीचे तक पहुंच रहे हैं, आप सबके भी पर बहुत बहुत धन्यवाद। आज इसी क्रम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष खजानी, मंडल अध्यक्ष तरवा, मंडल महामंत्री अपने सुरमणि सिंहपुर जिला मंत्री, चंद्रपाल सिंह जी, जयप्रकाश सिंह जी, जयप्रकाश सिंहपुर मंडल अध्यक्ष, जिला कार्य समिति सदस्य, सारे लोग बिहारी सिंह मंडल अध्यक्ष, दिनेश सिंह मंडल अध्यक्ष आज यहाँ पर आए हुए हैं, सभी लोगों को सम्मानित किए। आगे और भी अभी यह कार्यक्रम कबूतरा खजानी में चलेगा, इसके बाद मुसहर बस्ती में 50 मुसहरों को अभी हम लोग खाद्य किट सामग्री वितरित करेंगे, चना, गुड़, चावल इत्यादि, दाल वगैरह। और इसी प्रकार से एक कार्यक्रम लगातार लॉकडाउन तक चलता रहेगा, हम लोग सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत देश में जो आई हुई है और काफ़ी जो है कि फैलती जा रही है और प्रतिदिन नए केसें बढ़ती जा रही हैं, तो आज भारत देश में दो पिलर बन के सामने आए हुए हैं, एक प्रशासन और दूसरा डॉक्टर्स। तो हम जानना चाहेंगे अध्यक्ष जी से कि वो
जागरूकता के तौर पे क्षेत्रवासियों को और शासन प्रशासन को और डॉक्टर्स टीम को वो क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी क्षेत्रवासियों से हम निवेदन कर रहे हैं कि आप सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें, अपने अपने घरों में रहें, कहीं निकलें भी तो अपने जो घर का होममेड फेस कवर है उस फेस कवर को अपने मुंह पर लगा के निकलें। हमारे उत्तर प्रदेश में चलन है गमछे की, जो हम लोग गमछा सबको प्रोवाइड कर रहे हैं, गमछा लगा के ही लोग निकलें घर से, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और अपने अपने क्षेत्र में कहीं कोई गरीब है तो उसकी चिंता करें, वह भूखा न सोए। और जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो लगातार दिन रात मेहनत करके अपनी जान जोखिम में डाल करके अपने घर परिवार छोड़ करके अपने बीवी बच्चे छोड़ करके लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ सभी डॉक्टर्स टीम को, सभी कोरोना वॉरियर्स को अपना बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। आप देख रहे थे के मास न्यूज़, तहसील संवाददाता लालगंज, डॉक्टर रामचंद्र।